ताज नगरी आगरा के ट्रांस यमुना स्थित चीन रेस्टोरेंट में अपराजिता फिल्म को लेकर ऑडिशन रखा गया। इसमें काफी जगह से एकत्रित हुए कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया, जिनमें से कुछ कलाकारों का अभिनय बहुत अच्छा रहा। फिल्म के प्रोड्यूसर कमल यादव हैं। ऑडियंस है, अभी के द्वारा हम लोग आगे बढ़ते हैं कलाकार से। एक्चुअली में मेरा नाम संजीव राणा है, जो मेरी भूमिका इस फिल्म में सब इंस्पेक्टर भी है, और ये इसका मिशन है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और दूर हत्या के ऊपर, जो कि काफ़ी हद तक बेटियों के साथ दुराचारी और बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। हमारा मिशन है कि इस फिल्म के द्वारा हम एक अच्छा मैसेज दे सकें इस देशवासियों के लिए, इस फिल्म के द्वारा हमारा यही कहना है। आगरा में यहाँ पर ऑडिशन लिया है, काफ़ी सारे टैलेंटेड बच्चे आए हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कितने लोग जो हैं हमारी मूवी में आ सकते हैं। जिन कैरेक्टरों के लिए यहाँ ऑडिशन हुआ है, अभी हम लोग 6 करेक्टर को लेकर ऑडिशन कर रहे हैं। कुछ गांव का सीन है हमारे पास में और कुछ नेगेटिव रोल हैं। ताजनगरी आगरा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महंगाई और भ्रष्टाचार के विरुद्ध विशाल धरना प्रदर्शन कर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और सांसदों और उनकी सरकार को एक बार चेतावनी देते हुए उनके खिलाफ नारेबाजी कर ये साबित कर दिया कि गरीब लोगों के यदि पार्टी है जिसका काम बोलता है वो अखिलेश यादव जी की सरकार समाजवादी पार्टी है। बीजेपी की सरकार केवल झूठे वादे कर लोगों को गुमराह करने का काम करती है। बेतहाशा मूल्य वृद्धि हुई है पेट्रोल डीजल के दामों में, और जब कभी भी पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि होती है तो अक्सर सरकारों का कहना ये होता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल का दाम बढ़ गया है, कच्चे तेल का दाम बढ़ गया है। 2012-13 में भी कच्चे तेल का दाम बढ़ा था, और उस समय कच्चे तेल का दाम था 141 से लेकर 150 रुपये प्रति बैरल। इलाहाबाद के सुभाष चौराहे पेट्रोल पंप कर्मचारी से तेल भरवाने के दौरान पुलिस के सामने एक अधिवक्ता ने विवाद किया और मारपीट की। इसी के बाद मार खाए अधिवक्ता ने फोन करके अपने अन्य अधिवक्ता साथियों को बुला लिया। अधिवक्ताओं की संख्या अधिक होते ही अधिवक्ता उग्र हो गए और पेट्रोल पंप के दोनों कर्मचारी को पुलिस के सामने दौड़ा दौड़ा कर चौकी के अंदर तक उनके समक्ष पीट डाला। कुछ समय बाद पुलिस के उच्च अधिकारियों के पहुँचने पर मामला शांत हुआ। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।